कैपिटल स्मार्ट सिटी फेस टू का मास्टर प्लान आ चुका है मास्टर प्लान में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैप को ट्राई किया कि जितना एक्यूरेटली मैं रख के उसको बना सकूँ वीडियो में उतना एक्यूरेटली बनाऊँ ताकि स्ट्रीट्स का मैं आइडिया दे सूँ कि कौन से स्ट्रीट एलिवेटेड हैं कौन है, से स्ट्रीट जो है डिप्रेशन में और कौन से स्ट्रीट जो है वहाँ प्लाट रिकमेंडेडेड है कहाँ पर नॉट रिकमेंडेडेड है उस हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरशन की बात करें तो इंटरचन को प्रिसाइसली मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिज है ये जो प्रीवियस ब्रिज है तो उसको मैंने ब्रिज को मैप को बिल्कुल एक्रेटली ब्रिज के ऊपर पेस्ट किया उसके साथ ये आपके टॉल प्लाजा टॉल बूथ बने हुए हैं तो मैंने मैप पे एक्जैक्टली उनके बिल्कुल ऊपर उसको रखा हुआ है उसके साथ ये आपको स्मार्ट फाउंटेन नज़र आ रहा होगा उसके अलावा अपोजिट साइड पर आ जाएँ तो अगर बात करें इनिशियल फेज़ पर जहाँ पे अभी इंटरचेंज पे काम हो रहा है जो ये वाला एरिया है मैं इसकी फुटेज भी साथ अटैच कर दूंगा कि इस एरिया में इस वक्त काम हो रहा है इंटरचेंज का यानी कि जो इस तरफ टॉल बूथ बनने हैं उस पर काम हो रहा है और इसके अलावा ये जो एरिया होगा सारा ये कमर्शियल हब के लिए रिजर्वड है फ्यूचर में सोसाइटीज़ को जाहिर सी बात है किसी कमर्शियल परपज़ के लिए इस्तेमाल करेगी हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल करेगी और इस तरफ जो एरिया है पांडा मार्ट का एरिया यहाँ पे सोसाइटी क्या बनाती है फ्यूचर में अभी नहीं आइडिया इस बारे में लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें रिवील होंगी ये वाला जो एरिया बनता है इंटरचेंज का इस पर अभी इस वक्त बड़ा तेज़ी से काम जारी है और आगे जो इतना एरिया बनता है अभी किसी में पोजेन अवेलेबल नहीं है तो मैं सिर्फ जो जज करूँगा एलिवेशन को एक्सेस को और उसके साथ साथ मैं मस्जिद को और जो बाकी कम्यूनिटीज़ हैं इनको जज करूँगा अदर दैन दैट जो प्लॉट की एक्जैक्ट प्रसाइस लोकेशन होगी वो तो ज़ाहिर सी बात है इसमें नाइनटी नाइन्टी फाइव परसेंट एक्रेसी हो सकती है लेकिन प्रिसाइसली हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल तो इसलिए हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे ओवर वेस्ट के मैप को फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों वीडियो होंगी कंपाइनली एक लेंथी वीडियो होगी ऑलमोस्ट आधे घंटे की तो ट्राई कीजिएगा कि पहला वाला जो पार्ट है इसको पहले डिटेल से देख सकें अगर आपका वेस्ट में प्रॉपर्टीज हैं फिर मैं प्राइम टू तरह डिटेल से बना दूंगा और थर्ड वीडियो में एक्जेक्टली वेस्ट की बना दूंगा मैं तीनों वीडियोज ट्राई करूंगा कि आपकी सिलेक्शन जो फर्स्ट लैब की कल ग्यारह बजे स्टार्ट होनी है उससे पहले आपकी पब्लिक हो सके वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट ये जो लेफ्ट साइड पर एरिया नजर आ रहा है ये मास्टर प्लान पर फेज़ वन इस साइड पे जितना एरिया है ये सारा अपनी जगह पे ऑलरेडी एलोकेटेड है और इस तरफ आपका राइट साइड पे मोटरवे अगर आप इस्लाबाद से लाहौर की तरफ कम्यूट कर रहे हैं तो राइट साइड आपके पास जो एरिया आता है दैट इज़ ओवरसीज़ प्राइम टू ओवरसीज़ वेस्ट एंड एक्जिव वेस्ट कम्बाइनली इट इज़ नोन एड कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ टू सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर द मैं फेज वन का मैप हटा देता हूँ ताकि आप सिर्फ फेज़ टू को डिस्कस करें सबसे पहले जस्ट फॉर द प्रसिशन मैंने ट्राई किया कि मैप को ना मैं बिल्कुल एक्यूरेटली ऊपर रख सकूं तो ये इंटरचेंज का डिज़ाइन है तो इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जिस जगह पे टोल प्लाजा है जिस जगह पे वो लूप्स बनी हुई हैं जिस जगह पे जैसे जिस तरीके पे एक्चुअल ज़मीन पे एग्जिस्टेंस है उसी तरीके से मैंने इसको मैप को रखने की कोशिश की है फॉर द रेफरेंस पॉइंट जैसे ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रिज है तो इसके ब्रिज के ऊपर से यही मैप है तो इसमें मैंने कहता हंड्रेड परसेंट बट अप टू नाइनटी नाइन्टी फाइव परसेंट प्रिसीजन है जिसकी वजह से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी और अभी चूंकि कोई एरिया डिवेल्ट नहीं है कोई एरिया पोजेशनेबल नहीं है तो मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं एलिवेशन के लिहाज से और जो मैं बींग अ रेल्टर या बींग अ सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी जो सजेस्ट कर सकता हूँ उन्हें मेम्बर्स को मैं वो चीज़ें गाइड करूँगा कि किन एरियाज़ में आप एलोकेशन करवाएँ और किन एरियाज़ में आप एलोकेशन ना करवाएँ उस हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेक्टर ए को अब ये मैं सिर्फ अभी पहले ही वीडियो जो होगी ये वाला पार्ट होगा इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव सॉरी ओवरसीज़ वेस्ट को मैं करूँगा और उसके बाद फिर ओवरसीज़ प्राइम टू देन एग्जेक्टिव वेस्ट प्राइम वन मेरा राइट साइड भी फेवरेट है और प्राइम टू मेरा यहाँ भी फेवरेट है बिकॉज ऑफ सम थिंग्स मैं आपको बाद में चाहूँगा लेकिन लोकेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा फेवरेट आज तक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें से फेवरेट बनता है वो दैट इज़ ओवरसीज वेस्ट वो क्यों फेवरेट बनता है लोकेशन के अतबार से इन टर्म्स के फ्यूचर में आपने प्लाट को रीसेल में लाना हो तो उसकी फेवरेटिज्म जो है वो इस बेस पर है एक तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि इंटरचिंग के बिल्कुल ऊपर है दूसरा आपको बैक साइड पर यह नज़र आता है यानी आपको एक्जैक्टिव वेस्ट से अक्रॉस बोर्ड ये आपका एग्जैक्टिव वेस्ट है तो आपकी जो विजिबिलिटी है ना ये आपको अभी थ्री डी एनिमेशन में या इस तरह से आपको बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़ नजर आ रहे हैं बट एक्चुअली ये एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे मार्गला हिल्स की तरह इस एरिया का नाम है खैरी मूर्त रेंज तो इसमें जो आपको एलिवेशन मिलती है दैट इज़ अनमैचेबल और ये जो एरिया बनता है पूरा जब आपका घर बनेगा फॉर इंस्टेंस जैसे ये प्लाट्स हैं अब इनको जो यहाँ से व्यू मिलेगा वो आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिल सकता पैसों से आप व्यू बाई नहीं कर सकते जिस तरह अगर बाई कर सकते हैं तो आप तैयार रहे हैं जैसे आपका एफ है एफ है ई है तो वहाँ पर आपको रेट जो पे करना पड़ता है दैट इज़ हंड्रेड फोर्टी करोड़ 150 करोड़ बड़े घर का मैं छोटे प्लॉट की बात कर रहा हूं दो कनाल और चार कनाल की इस तरह के घरों की यहां पे आपके पास आठ कनाल के प्लॉट्स भी हैं जहाँ नॉट फॉर सेल होंगे फ्यूचर में सोसाइटी कहीं किसी ना किसी को फाइलों को पहिए लगाने के लिए अकोमोडेट कर सकती है बट लेट्स टॉक अबाउट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट क्या होगा इन प्लॉट्स का लेट्स डिस्कस के के यार ओवरसीज वेस्ट में सबसे पहले लोकेशन किस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है किन पॉइंट्स को देखना है देखिए अब जब से लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो पहला पॉइंट आपने मद्देनज़र रखते हैं से लोकेशन सिलेक्शन करते वक्त क्या आपने सारे चीज़ें टिक नहीं कर देनी यानी कि कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड और ये अब सोचें कि एक प्लॉट है फॉर एग्जांपल ये वाला ये प्लॉट सिर्फ कॉर्नर है ठीक है ये पार्क फेस प्लॉट है डबल कैटेगरी ये कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड और फ्रंट बैक ओपन एट अ टाइम नहीं हो सकता तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिलेक्शन करनी है दो और मिनिमम सिलेक्शन करनी है एक या तो कॉर्नर सेलेक्ट करना है या पार्क रोड सेलेक्ट करना है तो उससे प्लाट सेचूरेट होगा सामने आ जाएंगे कि हाँ मुझे किस प्लॉट पर जाना चाहिए तो इस लिहाज से आपको काफ़ी फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जी सेक्टर ए से से सेक्टर ए की हम बात करें तो ओवरसीज वेस्ट में अगर मैं बात करूँ लोकेशन के अतबार से तो uh, मैं जो प्रेफरेबली चूज़ करूँगा मैं करूँगा इन प्लाट्स में से जो इंटरचेंज के साथ ये वाला एरिया बनता है ना ये वाला एरिया मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है रीज़न बीइंग कि ये वाला जो एरिया है इन्होंने कमर्शियल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है और इंटरचेंज आपका ये आप इस एरिया से ये इंटरचेंज आपका ठीक है तो प्रेफरेबली मेरी लोकेशन जो होगी वो ये वाली होगी क्योंकि इस एरिया में मुझे एक वसिनिटी में क्योंकि सारे प्लाट दो कनाल के जो बड़े प्लाट्स होते हैं तो ये एलिवेटेड प्लाट हैं और एलिवेटेड से आपको बैक साइड का व्यू तो वैसे बिल्डिंग बनने के बाद नज़र आना ही आना है ठीक है जब बिल्डिंग थर्टी सिक्स फीट एड होगा बिल्डिंग में तो वो व्यू तो नज़र आएगा ही आएगा लेकिन मुझे वॉकिंग डिस्टेंस पर या स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पर मुझे जो इंटरचेंज के एक्सेस मिलती है ये लोकेशन मेरी प्रॉपर्टी को कल को टेन टाइम्स तक मेरी वैल्यू बढ़ा सकती है तो पहली प्रेफरेंस ये पार्क फेस जो प्लॉट्स होंगे दो कनाल के पॉइंट ऑफ से ये बनेंगे सेकंड प्रेफरेंस वर्ट भी मुझे आमतौर पर मेन रोड के प्लॉट अच्छे नहीं लगते बिकॉज ऑफ ट्रैफिक फ्यूचर में ये अच्छा एक और चीज़ कि अगर आप इन प्लॉट्स को कंसिडर करेंगे कि यार इनके पीछे कल को लैंड सोसाइटी नहीं लेगी तो यहाँ पर कल को सोसाइटी ने एक्स्ट्रा लैंड ऐड कर देनी है तो डोंट कंसडर दिस ये बाउंड्री रोड के जो प्लाट्स होंगे ये आपको व्यू देंगे और आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा सब अच्छा अच्छा नहीं होगा क्योंकि साइड जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है तो फ्यूचर में उन्होंने यहाँ पीछे एक्षे एक्सटेंशन भी करनी है तो एक्सटेंशन जब करेंगे तो ये वाली सारी लैंड ऑक्यूफ़ाई हो जाएगी तो आपका व्यू सारा यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं भी आप हों यानी कि आप किसी भी ब्लॉक में किसी भी स्ट्रीट पर हों तो आपको ये पहाड़ नज़र आएंगे पहाड़ों की जो हाइट है दैट इज़ मतलब पाँच छः सौ फुट यहाँ मीटर्स में बात करें तो शायद दो तीन सौ मीटर से तो ऊपर ही होगी ये जो मार्गला के पहाड़ हैं आप देखते हैं फिर से सतह समंदर से कितना ऊपर है लेकिन इन जनरल आपको पहाड़ों की व्यू हर तरफ से मिलेगा तो दिस इज नॉट कंपल्सरी आप बाउंड्री रोड पर जाकर प्लॉट सेलेक्ट करें फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखें वो रखें इंटरचेंज को कि मैंने इंटरचेंज से एक्सेस कैसे लेनी है सारी बातें बाद में मैंने इंटरचेंज से घर से निकलूँ तो मेरा इंटरचेंज तक एक्सेस आसान हो अच्छा ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये स्टार्ट स्टेट करती है कि बेसिकली एग्जैक्टिव वेस्ट की सॉरी ओवरसीज वेस्ट की ये टेरिटरी है ठीक है ये जो लाइन आपको शो हो रही है अच्छा अब सबसे पहले स्टार्ट करते दो दोकनल के प्लाट पे तो ये वाले जो प्लाट हैं इन प्लॉट से ये कमर्शियल प्लाट्स हैं सोसाइटी ने ओवरसीज वेस्ट के तमाम प्लाट्स से रिजर्व किए हैं आई डोंट नो क्यों कमर्शियल प्लाट्स लेकिन खैर इन प्लाट्स के साथ पीछे जो गैप है लीनर पार्क है तो ये वाले प्लाट्स हो गए स्पेसिफिकली ये जो फेसिंग पार्क हैं फिर ये वाले पार्क प्लाट हो गए ये वाले सारे प्लाट्स जो हैं ये 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 जो एरिया ओपन आपको नजर आ रहा है ना अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे जाके कि ये कितना प्रोमिनेंट एरिया होगा कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि इसका बेनिफिट क्या होगा क्या आपको एक वो चौधरी मजीद साहब बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन के मंबे मिलेंगे आपको कि जिस तरह आप बेसिकली ग्रीनरी के दरमियान रह रहे हैं तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा कि आपको एलिवेशन के साथ साथ आपको हर तरफ से एक्सेस मिलती है मतलब ईजी एक्सेस है इंटरचेंज से और आपको बहुत अच्छी वेंटिलेशन मिलती है दो कनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली प्रेफरेंस ये दूसरी प्रेफरेंस कि इनके साथ साथ जो प्लॉट है जैसे ये वाले हो गए प्लॉट नंबर उन्नीस से लेकर प्लॉट नंबर इकतीस सारे फेसिंग फ्रंट ओपन है सबका मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना दो कनाल का याद रहे कि मुझे एक्स्ट्रा जो प्लाट के पैसे बनते हैं वो बीस बाईस लाख बनता है सिंगल कैटेगरी का डबल कैटेगरी पर जाए तो चालीस पचास लाख रुपया तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना मुझे एक्स्ट्रा पे किए बगैर ये पार्क जो है बेसिकली इसके चार्जेस पे करने होंगे टेन लेकिन जैसे फॉर एक्जाम्पल ये प्लॉट है ये वाला प्लॉट अब ये पार्क के सामने है लेकिन ये पार्क फेस नहीं होगा अच्छा ये वाला प्लॉट है पार्क के सामने लेकिन पार्क फेस ओपन नहीं होगा ये वाला प्लॉट है जैसे ये पार्क के साथ है लेकिन पार्क फेस नहीं है ठीक है इस तरह जो फेसिंग पार्क होंगे उनकी कैटेगरी होगी और अदर देन दैट कैटेगरी चार्जेस आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे और अच्छी बात यह कि सारे प्लॉट 40 फुट रोड पे हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने अब बात करते हैं इस ब्लॉक के एलिवेशन की इस ब्लॉक में एलिवेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊँ तो सबसे पहले वही बात आती है कि सबसे पहले जो एलिवेशन बनती है वो बनती है इस पॉइंट पे जो पार्क के अंदर है ये टीला सा बनता है टीले के साथ ये जो पहली गली है ये ऊंची गली है यानी कि अगर मैं जूम करके वो दिखा सकूं ये जो पहले प्लॉट है प्लॉट नंबर इक्कीस अगर प्लॉट की गली स्टार्ट होती है फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट है स्ट्रीट का प्लॉट नंबर वन अब इसके जो शुरू के सात आठ प्लॉट है ना ये वाले ये बेसिकली एक टीले के ऊपर है अब नीचे वो पहाड़ी दिखाई भी दी होगी तो इसका व्यू आपको बहुत अच्छा बनेगा और आपको एलिवेशन भी बहुत अच्छी मिलती है फिर आगे जाके बीच में कुछ ये देखें गैप भी आता है डिप्रेशन भी आती है फिर आगे जाके एंड पे जाके डिप्रेशन फिर दोबारा आती है तो उस लिहाज से ये आपको ये वाले प्लॉट्स फेवरेट बनते हैं फिर आज जी इस तरह वाले प्लॉट्स पे जो ये रोड बनता है इस रोड का नाम है जिना एवन्यू और ये वन एटी फिट वाइड है ये फेसिंग चार कनाल प्लाट हैं इन प्लाट्स को भी लाजमी कंसिडर कीजिएगा याद रहे कि अगर पाँच मरला का बिला हो फेसिंग सात मरला हो तो पाँच मरला विला की वैल्यू ज़्यादा होती है जो आपके पास प्लाट का साइज़ हो उससे बड़े साइज़ को फेसिंग हो ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिस एलोकेशन क्योंकि के बिल्कुल साथ है तो वो कोई डिस्कशन का मैटर ही नहीं है ये भले सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस वुड बी दिस एरिया और फोर्थ प्रेफरेंस वुड बी दिस एरिया तो ये सेक्टर ए हो गया आपके पास सेक्टर ए में याद रहे दो कनाल चार कनाल और आठ कनाल के प्लॉट्स हैं चार और आठ बेचे नहीं गए दो भी नहीं बेचा गया लेकिन दो अगले से ओवरसीज आप वेस्ट से मूव कर रहे हैं और सॉरी ओवरसीज सेंट्रल से मूव कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके पुराने प्लॉट थे लेकिन उनका लिटिगेशन की वजह से कब्जा नहीं मिला या प्राइम ब्लॉक वाले जो मैं प्राइम ब्लॉक वाले मैं बाद में आता हूँ क्योंकि प्राइम की तो सोसाइटी ने मैप में कैसी ऐसी चीजें डाल दी हैं ना कि आप इमेजन नहीं कर सकते यार कि ये कैसे कर सकती है एक सोसाइटी इतना खुला दिल कैसे हो सकता है अच्छा खैर ए ब्लॉक को आकर कंसिडर करते हैं आज आप बी ब्लॉक पर बी ब्लॉक जो है वो इंटरचन के बिल्कुल साथ है बारह मरला दस मरला के प्लॉट हैं अब फ्रेश बुकिंग में तो दस मरला नहीं बेचेगी पुराने लोग ही आएंगे यहाँ पे तो बारह मरला के प्लॉट में जो प्रेफरेंस होगी वो ये मैं आपको एलिवेशन पहले दिखा दूँ कि अब ये देख लें ये सारे डिप्रेशन की तरफ आ रही है ये अगर आपको फील हो रहा है ना तो ये प्रॉपर खड्डा है यहाँ पे ये पीछे वाले प्लॉट एलिवेटेड हैं ये आपकी बेहतरीन स्ट्रीट है फिर आ जाए आप बारह मिला पे ये वाले प्लॉट देखें ये कनाल के जो बैक पे जो ये वाली पट्टी बनती है इसका रोड बनता है स्ट्रीट नंबर सेवन प्लाट नंबर नाइन वन टू तो प्लाट नंबर नाइनटीन या जो भी इसके नंबर है आई गेस वन से स्टार्ट होगा नहीं आई थिंक थर्टीन फोटीन से स्टार्ट होगा फोटी ऑनवर्ड स्टार्ट होगा ये वाला जो एरिया बनता है आप इसकी एलिवेशन देख सकते हैं कि इसके एलिवेशन कम्पेरजन टू एनी अदर ब्लॉक बहुत अच्छी है ठीक है और कनाल के प्लॉट को भी आप इसी लीनियर पार्क रोड को प्रेफर करें क्योंकि लीनियर पार्क बेशक आप पा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े कनाल का प्लॉट पिछला प्लॉट था आपका बासठ लाख दस हज़ार का नया प्लॉट आपका नब्बे लाख रुपए का तो नौ लाख रुपए एक्स्ट्रा देना भी पड़े बल्कि डबल कैटेगरी है पचास फीट प्लस लीनियर पार्क तो आपको अगर लट से जी देना भी पड़े एक्स्ट्रा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये फेसिंग कमर्शियल होंगे लेकिन कमर्शियल और इसके दरमियान तकरीबन दो सौ सत्तर फुट का गैप होगा पचास फुट रोड दो सौ बीस फुट लीनियर पार्क तो काफ़ी बड़ा गैप है और मस्जिद तो स्कूल भी पास है तो आपकी वो एक अच्छी प्रोसीमेटी बन जाती है और ये इसके अलावा आ जाते हैं जी इसी ब्लॉक में बी ब्लॉक में बारह मरला पे पीछे ये वाली जो स्ट्रीट है प्लॉट नंबर टू से लेके प्लॉट नंबर आई गेस नाइन तक बनता है टू से लेके नाइन तक ये प्लॉट भी एलिवेशन देख लें ज़रा देखेंगे और से देख लेंगे ये वाली जो स्ट्रीट है इसको प्रेफर ना कीजिएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आपको पता हो कल को यार आपकी एलिवेशन डिस्टर्ब नहीं हुई दस मरला भी आ जाएँ अगर बी ब्लॉक के तो दस मरला की स्ट्रीट्स में देख लें तो जो ये स्ट्रीट्स बनती हैं स्पेसिफिकली ये जो आई थिंक लेन नंबर वन है ये प्लाट्स फिर ये वाले प्लाट्स ये जो कमर्शियल फेसिंग जितने प्लाट्स हैं ना ईवन दो कमर्शियल फेसिंग प्लाट्स मैं कभी प्रेफर नहीं करता बट इनकी एलिवेशन आपको नजर आ रही है कि एलिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है दस मरला प्लाट्स की इसके अलावा जो एलिवेशन अच्छी है दस मरला प्लाट्स में बी ब्लॉक के अंदर वो इस साइड की बारह मरला के प्लाट्स की एलिवेशन ये वाली अच्छी है जो मेन रोड एक सौ बीस फुट वाले प्लाट्स हैं पंद्रह परसेंट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जस्ट फॉर द मेम्बर रिमाइंडर कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे इस पर उसके अलावा ये भी इंटरचेंज है डायरेक्ट एक्सेस है तो ये वाली पट्टी होगी दस मरला में ये वाली पट्टी आपकी होगी मरला में और उसके साथ कनाल में आपके सारी लीनियर पार्क फेसिंग जितने प्लाट्स सेलेक्ट कर सकते हैं करें क्योंकि इनमें सारों में मज़े की बात जो प्लाट डिप्रेशन के थे या सोसाइटी ने खुद रिजर्व किए हैं और ये रिजर्व प्लाट सारे विलास के लिए हैं ठीक है ये विलासाइटिकल को बना के बेचेगी तो ये उनके लिए प्लाट हैं ये वाले प्लाट जो विलास के लिए हैं जो फेसिंग ये लीनियर पार्क जो फेसिंग पार्क ये प्लाट बनते हैं तो उसके साथ साथ बाकी आपकी एलिवेशन आपको नज़र आ रही है इस साइड पे आ जाए कनाल के प्लॉट्स पे तो कनाल के प्लॉट जो फेसिंग ये वाला रोड है ये सारे के सारे प्लॉट अच्छे एलिवेटेड एरिया पे हैं जो आपको ये फील भी हो रहा है सेक्टर सी पे अगर चले हम सेक्टर सी में आपको फिर दोबारा वही दस मरला और कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं सेक्टर बी में दस मरला बारह मला किनाल के प्लॉट मिलते हैं सेक्टर सी में आपको दस मल्ला और कनाल के मिलते हैं यहाँ बारह मल्ला के प्लॉट्स नहीं हैं अच्छा सबसे पहले सेक्टर सी में देखें ये आप स्ट्रीट नोट कर लें ये सिक्सटी फीट का जो रोड है ना सेक्टर सी का इसके ऊपर जो ये वाले प्लॉट हैं आप पहाड़ी का एक मिनट है आई डोंट नो जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा नहीं बट मैंने ट्राई किया कि मैं इसको प्रिसाइसली रख के कर सकूँ ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना एलिवेशन का ठीक है मैं इसके नीचे दिखाता हूँ एक्चुअल पहाड़ी ये देखें अब इसके ऊपर बगा आपके पास बारह मरला का प्लाट हो यानी इस पहाड़ी के ऊपर प्लाट है कितना भी काट लें पहाड़ी सॉलिड लैंड सॉलिड सॉलिड लैंड सॉलिड लैंड रहती है पीछे आपको जो ये व्यू बनेगा अनरिस्ट्रिक्टेड या अन डडाउटेडली यह सबसे प्यारा व्यू बनता है तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को लाजमी कंसिडर कीजिएगा वाई एल सेलेक्टिंग द प्लाट्स ऑफ ट्वेल्व मरला टेन मरला इन सेक्टर सी ये वाले प्लाट्स आप देख लीजिए साठ फिट रोड याद कर लें साठ फिट रोड है इस रोड का नाम है रोड नंबर टू यह आप याद कर लें साठ फिट रोड की पीछे वाली जो गली है सेम एलिवेशन उससे पीछे वाली गली सेम एलेशन उससे पीछे आप जब प्लाट नंबर ये सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी इस तक जाते हैं तो सारी एलिवेशन है बल्कि पूरी स्ट्रीट एलिवेशन है इसका एरिया जो ये स्ट्रीट जो इसकी डिप्रेशन की स्ट्रीट आपको नजर आ रही है ये बाकी स्ट्रीट से भी बहुत ज्यादा ऊंची है बाकी ब्लॉक से तो आपको इसमें इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्चुअल लैंड जो नीचे एग्जिस्ट करती है दैट इज दिस माउंटेन तो इस माउंटेन का आपको जो बेनिफिट मिलना है वो आपको आई होप सो कि आपको पता होगा कि आपने इसको कैसे कैश आउट करना है अच्छा ये वाला जो एरिया है मेरे हल में आबादी है यहाँ पे गाँव की यहाँ लैंड नहीं है यहाँ सोसाइटी ने इसको रिजर्व किया हुआ है आमतौर तो पर आबादी के लिए रिजर्व होता है लेकिन नीचे ऐसा कोई आबादी नहीं है तो ये एक वाटर बॉडी है नीचे अच्छा इसके अलावा हाँ ये वाटर बॉडी की को नीचे रिजर्व किया हुआ है खैर आगे चलते हैं सेक्टर डी की तरफ सेक्टर डी में आ जाए सेक्टर डी में आपके पाँच सेक्टर डी में आपके सिर्फ से सिर्फ सात मरला के प्लाट्स हैं सात मरला में जो आपके ब्राउन बॉक्सेज हैं ये रिजर्व हैं फॉर विलास अब आ जाते हैं एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ये प्लाट्स बनते हैं स्पेसिफिकली इन द लेन सिक्सटीन एंड लेन 17 ये जो प्लॉट्स हैं 136 और 116 से 136 तक इनकी एलिवेशन बहुत अच्छी है जस्ट फॉर द रिमाइंडर मैं आपको दिखाता हूँ ये पहाड़ी आप देख सकते हैं ठीक है मतलब ये पहाड़ी है ये आपका व्यू बनेगा और ये आपकी एम टू है ये एक्चुअल जो ज़मीन पे एग्जिस्टेंस है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि यार ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा बट ये एक्चुअल ज़मीन पे एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें तो इसमें अच्छा ये जो आपको ये एक स्ट्रीम से नजर आ रही है ये वाटर बॉडी है और ये नेचुरल ट्रेन है नेचुरल वाटर बॉडी है इसने गुजरना नहीं यहाँ से और मैं आपको एक्चुअली से ग्राउंड दिखाऊँ तो ये इस तरह से फील आपको फील होगा यानी आपको ये जो ये वाली नज़र आ रही है ना यूँ ये बेसिकली एक वाटर बॉडी है जिसने आके पे कनेक्ट होना है तो यहाँ पे पानी वगैरह का मसला भी कोई नहीं है लेकिन हम सिर्फ अभी एलिवेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी डिवेल नॉन डिवेल्प ये कोई स्टेटस नहीं है अभी हम सिर्फ एलिवेशन को डिस्कस करेंगे एलिवेशन वाइज ये सबसे अच्छी एलिवेशन बनती है सेक्टर डी के अंदर सेक्टर ई e में आ जाए पांच मला प्लॉट में जो इंतई फोकस होगा पांचमला प्लॉट पर अच्छा इसमें आ जाए अगेन इसमें सेलेक्ट करते वक्त आपने ये जो रोड नंबर टू uh, है सिक्सटी फीट वाइड सेम वही आपकी सेक्टर ई e की भी रोड टू और सेक्टर सी की भी रोड टू याद रखिए दोनों रोड टू जो है ना ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पर जो प्लॉट आपको मिलता है तो आपने गलती नहीं करनी इसको मिस करने की इवन दो प्लॉट आपका लेट डेवलप होगा कटिंग वाला एरिया है बहुत टाइम लगेगा बट वंस इट इज़ डिवेल्प्ड आपको इस प्लॉट के लिए कभी मार्केट में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार मैं बेचूंगा कैसी या कब बिकेगा मेरा प्लॉट बेचने आपका चलता फिरता चेक होगा जिसकी एग्जाम्पल आपकी ये दोनों पहाड़ियों को नजर आ रही है दोनों पहाड़ियों के ऊपर से रोड टू गुज़र के आएगी तो आपको अच्छे नीचे लैंड भी आपको नजर आ रही है देखें ये सोसाइटी की अपनी जो है कि लैंड हमारी कैसी नीचे से इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छा इसकी इसी रोड टू के सराउंडिंग में देखें आप राइट और लेफ्ट जहां पे आपने रोड टू पे प्लॉट सेलेक्ट करना है रोड टू फर्स्ट प्रेफरेंस और रोड टू के राइट लेफ्ट तकरीबन आप कह लें कि 100 सौ दो दो सौ फुट तीन तीन सौ फुट या चार चार सौ फुट आपका जो एरिया बनता होगा वो सारा पहाड़ी एरिया ही बनता है तो उस पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यानी यहां से लेके यहां तक नीचे कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो एलिवेशन ही एलिवेशन है रोड टू आपने याद रखना है रोड टू आपने मिस नहीं करना ना सी का ना ई का ये रोड टू जो आपका है ये आपके प्लॉट की गारंटी है कि चलता फिरता कैश का चेक का प्लॉट है ठीक है अच्छा अगर किसी की फेवरेट हो चीज़ें ये पार्क फेस एंड ऑल दैट इन चीज़ों को यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं बट इन चीज़ों की यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो क्या नाम है एलिवेशन है यहाँ पे अच्छी है और सी ब्लॉक के अंदर जो है एलिवेशन वो डिप्रेशन की तरफ आ जाती है नीचे स्लोप आ जाती है मैं एक्चुअल अगर ग्राउंड दिखा सकूँ नीचे तो आपको नीचे वाटर बॉडी के साथ एरिया नज़र आ रही है वाटर बॉडी है तो यहाँ जमीन नरम रहेगी तो कल को कंस्ट्रक्शन होने के बाद ऊंच नीच हो सकती है घर बैठ सकते हैं ऊपर नीचे होता है तो आप मेक श्योर करें कि एलिवेटेड पहला रूल और आखिरी रूल सिर्फ और सिर्फ एलवेशन पहला रूल और आखिरी रूल कोई कॉर्नर कोई पार्क फेस कोई ये चीज़ें ठीक है आपकी प्रेफरेंस हो सकती हैं बट मेरी प्रेफरेंस है एक ईस्ट में एक मंबर ने घर बनाया तो उनके घर था दस मरल का और उस पर थर्टी एट पाइल्स थी अब थर्टी एट पायल्स का मतलब है कि आपको कम से कम या कि तीस पैंतीस लाख एक एक्स्ट्रा खर्चा निकला है आपका फिर जो नीचे पाइल्स डालने का तो क्या फ़ायदा उस प्लाट का उनको लेने का कहीं और ले लेते हैं प्लाट तो पॉइंट टू सेज कि आपने प्लाट की एलिवेशन देखनी है उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो बाद में आई गई हो जाती हैं लोकेशन बाद में मिल जाती है ओपन ओपनिचो हो जाती है लोकेशन वैसे मैटर नहीं करती क्योंकि हर तरफ तो आपको ग्रीनरी है हर चीज है उसमें आपने घबराना नहीं है लेकिन एलिवेशन पर आपने लाजमी फोकस करना है नेक्स्ट इज आ जाते हैं सेक्टर एफ़ पे सेक्टर ऑफ की बात करें तो इसका 90 परसेंट एरिया रिजर्व है फॉर द विलास पर्पस और इसमें हॉस्पिटल भी है पब्लिक बिल्डिंग भी है ग्रैंड जामिया मस्जिद भी है ये बिल्कुल सेंटर में आती है एक तरफ इकबाल रोड है एक तरफ कनेक्टिंग कनेक्शन रोड है एक फुट एक तरफ आपका चार फुट रोड है और इस तरफ आपका लीनियर पार्क है जिसके बाद सात कमर्शल्स एग्जिस्ट करते हैं अच्छा जी इसमें ये वाला जो खैर इसमें तो बताने की जरूरत है सारा एरिया रिजर्व पड़ा हुआ है इसमें आप प्रेफर करें तो बस मैं सेक्ट्राइफ़ प्रेफ़र नहीं आई ना ही करूँ तो बेहतर है क्योंकि मुझे बारह मरल के ऑप्शन अगर यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं इस जगह पे तो मैं यहाँ पे आके क्यों लूँगा मतलब मेरा पॉइंट होगा मैं पहले वहाँ लोकेशन पे जाऊँगा ना तो मैं सेक्टर एफ को बस इग्नोर ही करूँगा तो ये सारा एरिया बस गुजारे ही है अब आते हैं जी जी पे जी के एलिवेशन अगर देखें तो इसमें आपने जो मेन रोड ये वाला गुजर रहा है इस रोड की वर्थ है सनसेट एवेन्यू इसके ऊपर दस मरला के जो प्लाट हैं एलिवेशन इसकी आपके सामने है कि एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एरिया किस तरह का है प्लेन ग्राउंड है नीचे लेकिन एलिवेशन इसकी बेहतर है ये मेन रोड के प्लाट्स हो गए उसके अलावा एलिवेशन में अगर देखें तो आपके पास यही प्लाट्स बचते हैं इसके अलावा आपके सेक्टर एच आ जाता है जी मैं मेनली कोई भी सिलेक्ट मैं तमाम प्लॉट नीचे आप देख लें ग्राउंड कैसा है ये आपका लेवल ग्राउंड है तो ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कहीं भी सिलेक्ट करने को फ़र्क नहीं पड़ता मतलब नीचे प्लेन ज़मीन है तो ऐसे कोई उसमें वो नहीं है सिलेक्शन पर जाने की मतलब आप उसमें कॉर्नर पार्क फेस मेन रोड जो मिलता है आपको ले लें अगर आपको कैटेगरी पसंद है जनरली आपको कोई भी अच्छा प्लॉट मिलता है जिसकी एक्सेस अच्छी हो आपने सारा आपका दारोमदार सारा आपका नुकता नजर होना चाहिए दैट इज़ आपके एक्सेस कि मुझे घर में जाते हुए कितना टाइम लगता है और घर से निकलते हुए मुझे कितना टाइम लगता है यानी घर से निकल के सोसाइटी के गेट तक और सोसाइटी गेट से मुझे घर जाते हुए कितना टाइम लगता है आपने सिर्फ वो चीज़ मद्देनज़र रखनी है बाकी सारी चीज़ें जो है वो हैं टेम्प्रेरी है उसमें कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता नेक्स्ट इज सेक्टर एच सेक्टर एच में अगर देखेंगे कौन से प्लाट्स ऐसे एलवेटेड एरिया पे आते हैं कौन से प्लॉट ऐसे जो ये सारे तकरीबन प्लाट्स सारे लेवल ज़मीन पे हैं इसमें ऐसाच कोई डिप्रेशन वाला पार्ट नहीं है और सारे प्लॉट्स अच्छा व्यू बनता है जब घर बनेगा तो सारा थ्री डिग्री में अच्छा व्यू बनेगा एंड एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं यानी इस रोड के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं विद द मेन बुलेवर्ड चार सौ फीट रोड से और यहाँ से आके आप इंटरचिंग एक् एक्सेस ले सकते हैं तो चार सौ फीट रोड की अप्रॉक्सीमेटी का मतलब है कि इंटरचेंज दो टू मिनट्स की ड्राइव पे है और जामा मस्जिद के बिल्कुल साथ है ग्रैंड जाम मस्जिद के साथ है पब्लिक बिल्डिंग है कॉलेज फॉर बॉयज़ है कम्यूनिटी सेंटर है कॉलेज फॉर गर्ल्स है तो बेसिकली ये सेंटर होगा ये वाला एरिया बनेगा यूँ एक सेंटर हब होगा बहुत बड़ा कमर्शियल हब होगा तो अगर आप कमर्शल भी सिलेक्ट करें तो कमर्शियल भी देखिएगा आठमला प्लाट यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी प्रॉक्सिमिटी में आते हैं तो इसको भी आप मद्देनजर रखिएगा सेक्टर एच के साथ जो 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 एडजस्टेंट प्लाट्स होंगे अब आज इसके सेक्टर के साथ एडजस्टेंट मस्जिद और स्कूल अपना भी है ब्लॉक के अंदर अब आते हैं जी आ, आई ब्लॉक इसमें नहीं है अब आते हैं जे ब्लॉक में जे ब्लॉक और के ब्लॉक में दो पॉइंट्स आपने ज़रा गौर करना है उनको अवॉइड करना है वो दो पॉइंट्स कौन से हैं एक आपको ये एग्जिस्टिंग विलेज लिखा नजर आ रहा होगा मैप पर अब एग्जिस्टिंग विलेज के साथ मैं पहले मैप सेट आकर दिखा दूँ ये नीचे आबादी है ठीक है प्रॉपर गाँव है तो ये जो एरिया बनता है इसकी ज़मीन सोसाइटी के पास ना है ना हो सकती है इस एरिया की जाहिर सी बात है इस प्रॉक्सिमिटी में इसकी गांव की जो अप्रॉक्सिमेटी होगी तरीबन कह लेंगे दो तीन सौ मीटर की जो अपॉक्सीमेटी होगी इसको अवॉइड कीजिएगा सिलेक्शन करते वक्त क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गांव है तो कल को जैसे एल ब्लॉक के साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी आबादी थी ओवरसीज ईस्ट की तो वो अभी तक लैंड नहीं प्रिक्योर हुई और बाद में एफ में शिफ्ट हुआ एफ में भी थोड़ी सी आबादी थी वो अभी तक लैंड नहीं प्रक्योर हुई तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा फिर आपके पास मंदवाल गाँव की एग्जाम्पल है एक्जेटिव वन की एग्जैक्ट ओवरसीज़ वन के साथ सॉरी जो फेज़ वन में एक्जेक्टिव वन आता है वहाँ पर गाँव था वहाँ भी आपके सामने ये चीज़ें तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा सेक्टर एच की इन इस प्रॉक्सीमेटी को वैसे इन जनरल सेक्टर सक्सेस के जो प्लॉट बिल्कुल इजी फॉर कह लें कि आपको बहुत अच्छे प्लॉट्स होंगे वो यहाँ पे प्लॉट्स होंगे एक तो लीनियर पार्क फेसिंग होंगे दूसरा मेन रोड से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है तीसरा यहाँ पे भी लीनियर पार्क है तो ये वाले प्लॉट्स हो गए स्पेसिफिकली फिर उसके बाद ये वाले प्लॉट्स हो गए तो इन प्लॉट्स को जरा गौर से देखिएगा इन प्लॉट्स को आप प्रेफरेंस पे रखिए नीचे आपको जमीन भी नजर आ रही है कि आपकी जो ये स्ट्रीट्स सा है ना सारी एच एच ब्लॉक की ये सारे के सारे स्ट्रीट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है इनमें सच कोई जे ब्लॉक है सॉरी ठीक है जे ब्लॉक की इन स्ट्रीट्स पे नीचे बिल्कुल क्लियर लैंड है और इजीली प्रिक्योरमेंट होगी होगी अब तक मुश्किल नहीं है कि यहाँ लैंड प्रिक्योर करना और ये सारा एरिया बिल्कुल क्लियर है अगर हम के ब्लॉक की बात करें तो के ब्लॉक में आपके पास आ जाता है जी सात मरला और पाँच मल्ला के प्लाट्स हैं के ब्लॉक के अंदर आप वही बात है कि ये वाला पार्ट ज़रा अवॉइड कीजिएगा जो ये वाला पार्ट है रीज़न क्या है इस पार्ट को अवॉइड करने की वो रीज़न आपके सामने नीचे गिवन है ये रीज़न है ठीक है उसके अलावा आप इसके एलिवेशन अगर देखें इसमें अच्छी एलिवेशन यार किएगी इसमें जो आप स्ट्रीट लेन नंबर सिक्स है लेन नंबर फाइव है लेन नंबर सेवन है लेन नंबर एट है पाँच महल में ये बड़ी अच्छी स्ट्रीट्स हैं लेन नाइन भी अच्छी स्ट्रीट है ये आप पहाड़ी मार्क कर लें इसके ऊपर जो जो प्लॉट्स होंगे ना वो सारे आपके बड़े अच्छे अप्रॉक्सीमेटी में आते हैं इसमें मैं लेन्स बता देता हूँ लेन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड लेन नंबर टेन एलेवन भी ये पहाड़ी से नीचे उतरने वाली स्लाइड है तो लेन नंबर इलेवन ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा सेक्टर के का पाँच मला के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सेक्टर के में पीछे जाते हैं ये जो दस मला कनाल के प्लाट्स हैं ये वाले जो है एलिवेटेड एरिया में आते हैं ये वाला एलिवेटेड एरिया में आता है ये वाले एलिवेटेड एरिया में आते हैं नीचे लैंड जो है आपको नजर आ रही है ये बेसिकली रॉ लैंड है एक पहाड़ी के ऊपर ठीक है ये दो आबादियाँ हैं आबादियों से थोड़ा सा थोड़ा अवॉइड कीजिएगा तकरीबन तीन से चार गलियों का आपने डिस्टेंस रखना है उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है तो ये वाला एरिया आप देख लें बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी में आता है ये वाला एरिया भी नेक्स्ट इज एल और एम सेक्टर अच्छा इसमें कुछ साढ़े तीन मरल के प्लाट भी हैं एल एम ब्लॉक में एल ब्लॉक में एल्फ लाहौर और लैंड बिल्कुल सारी क्लियर है और कहीं जगह पे कहीं भी कोई ऐसे डिप्रेशन भी नहीं है कोई एलिवेशन भी नहीं है तो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल लैंड है मतलब आपकी बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है इस तरफ जो लेफ़्ट साइड पर जो आखिरी स्ट्रीट्स हैं ये जो दस मरल प्लाट है सामने गाँव है इसको थोड़ा वाइड कर लीजिएगा बाकी अदर देन दैट आपको जो नज़र आ रही है साढ़े तीन मरला के प्लाट्स हैं ये एक वाटर बॉडी बीच में से गुजर रही है साढ़े तीन मरला के स्ट्रीट में से इन स्ट्रीट्स को भी वाइड कीजिएगा ये गली और ये गली ये बनती है आपकी रोड नंबर सिक्स लेन नंबर सिक्स लेन नंबर सिक्स लेन नंबर सेवन अवॉइड कीजिएगा फाइव कीजिएगा फाइव और सिक्स अवॉइड कीजिएगा बाकी आप देख लीजिए अच्छा अदर देन दैट अब आ जाते हैं एम सेक्टर पे एम सेक्टर में आप देखते हैं जी पहले मैंने लैंड देख लिया हम सेक्टर की लैंड कैसी है लैंड सारी क्लियर है इसमें ऐसा कोई नहीं है इसमें जो चिकनाल वाले प्लाट्स हैं ये पहाड़ी की स्लोप है या पता नहीं क्या है नीचे रॉ लैंड नज़र आ रही है ठीक है ये मतलब का, काश्तकारी में इस्तेमाल नहीं हुई तो ये ज़मीन जो है ये सोसाइटी जब इसको जब डेवलप करेगी तो जाहिर सी बात है कि अच्छी एलिवेशन निकल आएगी बाकी अदर दैन दैट आपको जो वैसे ए पर्सली में सिलेक्ट करें इतनी दूर क्यों आऊँगा प्लॉट अगर मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले तो मैं उसी तरफ सेलेक्ट करूँगा हाँ प्राइम का प्लॉट हो तो मैं इधर आऊँगा डेफिनेटली पाँच मल्ल को लेकर मैं जो चलो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा प्राइम को लेकर मैं क्यों इतना वो एक्साइटेड हूँ प्राइम का मैप देख के प्राइम टू का मैप देखे स्पेसिफिकली तो ये हो गए सारे सेक्टर इसमें अगर आपको प्लॉट की सिलेक्शन मिले तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप रबात कर लें मुझसे दिए गए नंबर पे मैं आपको उसी वक्त आपको जो प्लॉट सेलेक्ट करने लगेंगे तो मैं कॉल पे आपको वीडियो से ये इसी तरह मैप पे देख के बता दूंगा कि ये प्लॉट किस तरह से आपके क्रिएट हुए हैं और क्या कि आपने किस प्लॉट का आपको बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम डे फ्रॉम दिस वीडियो मैं बीच में कुछ कुछ पार्ट आपका ऐड कर दूँगा साइड की वीडियो के हवाले से भी साइड की फुटेज के हवाले से भी ताकि मैंबर जो भी इंटरेस्टेड हों कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी प्लॉट के सिलेक्शन को लेकर उनको हर तरह से प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके ओवरऑल एक्सेस की बात करें तो शानदार एक्सेस है क्योंकि बाउंड्री रोड एक्सेसिव एक का अंदर से चार सौ फिट रोड गुज़र रहा है फिर उसके अलावा ये एक सौ अस्सी फुट का रोड है जैनेवन्यू के नाम से उसके अलावा ये रोड देख लें चार सौ फुट का यहाँ से गुजर रहा है जो प्राइम टू और ओवरसीज वेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा वो बनता है तो सेंटर ये कमर्शियल हब बनती है यहाँ पे जो कमर्शियल नेबरहुड होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट uh, होगा फ्यूचर में जाके और इस तरफ ये जो रोड है ये आके डी को जो कनेक्ट करता है अब डी को फेसिंग जो एक्जेक्टिव वेस्ट के प्लाट हैं सारे सोसाइटी ने रिजर्व प्लाट रखे हैं इनमें कोई प्लाट जो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन पर्पज़ रीजन बींग कि जब डी के सामने प्लाट होंगे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी जब विला बनाएगी तो यहाँ पे हो सकता है कल को पाँच मिला विला तीन तीन चार चार करोड़ का बेच सकें तो इसलिए सोसाइटी ने प्लाट अब तक रिजर्व किए हैं लेट्स सो फॉर द बेस्ट कि किस तरह से चीज़ें फोल्ड आउट होती हैं सोविक दिस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले कुछ मालूमा चाहिए उन दी के नंबर प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़